नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज टाइम्स। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली हिंसा मामले पर अरविंद केजरीवाल ने सेना की तैनाती की मांग की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हिंसा पर ट्वीट कर गृह मंत्रालय से तुरंत सेना की मांग की है और कहा कि हालात बेहद खराब हैं और दिल्ली पुलिस इस पर काबू पाने में असमर्थ रही है। इसके लिए अरविंद केजरीवाल गृह मंत्रालय को एक पत्र भी लिखने वाले हैं। बता दें कि दिल्ली हिंसा में मरने वालों की संख्या अब तक 20 हो गई है। बुधवार को अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, मैं पूरी रात लोगों के संपर्क में रहा हूं, स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। पुलिस अपने सभी प्रयासों के बावजूद हालात को नियंत्रित करने और लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाने में असमर्थ रही है। सेना को तुरंत बुलाया जाए और बाकी प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू लगाया जाए। इसके लिए मैं गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिख रहा हूं। दरअसल नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन करने वालों और विरोध करने वालों के बीच हिंसक झड़प में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हिंसा में घायलों की संख्या 250 से ज़्यादा है। इनमें करीब 56 पुलिस वाले हैं। रविवार को भड़की हिंसा मंगलवार को भी जारी रहा। नॉर्थ ईस्ट के जाफराबाद, मौजपुर समेत कई हिंसाग्रस्त इलाकों में माहौल अब भी तनावपूर्ण है। हालांकि प्रशासन ने भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से हिंसा मामले पर जवाब मांगा है। न्यायालय ने यह बताने के लिए कहा है कि जिन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। साथ ही दिल्ली पुलिस के किसी बड़े अधिकारी को 12:30 बजे तक पेश होकर जवाब देने के लिए कहा गया है। इससे पहले जस्टिस एस मुरलीधर ने आधी रात को भी मामले की सुनवाई करते हुए हिंसा में घायलों को बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पताल में भेजने का आदेश दिया था।